मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात क्रांति वीरों को, भारत माँ के सपूतों को स्मरण करने का, श्रद्धांजलि देने का, आज की जनरेशन के सामने और भावी पीढ़ी के सामने लाने का, जिन्होंने स्वयं को हर तरह से निशावर कर दिया, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत कर दिया, जान हथेली पर रखकर आखिरी श्वास तक लड़ते रहे और आखिर में भारत माँ की गोद में हमेशा के नींद सो गए। बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार, जेलों के बाहर भी गांव के गांव जला दिए गए। 1857 की क्रांति के बाद के कुछ हीरोज, नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने रखता आ रहा हूं। उनका जीवन चरित्र, उनका शौर्य और वीरता का की पराकाष्ठा पर बैठे हुए वो लोग सारी दुनिया के अंदर स्वर्णिम पृष्ठ से इतिहास को सुशोभित करने वाले वो लोग, उन सब को हमने सुना, सुन रहे हैं, अभी और सुनेंगे। 190 वर्ष के इस इतिहास को, 1757 से 1947 तक का, इस बीच में क्या कुछ हुआ, एक एक चरित्र तो मैं आपके सामने लेके आ ही रहा हूं, लेकिन आज है उस क्रांति का राष्ट्रव्यापी प्रभाव क्या था। 1857 का स्वतंत्रता समर, पहला वो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर ने जिसको प्रथम क्रांति समर कह करके, स्वतंत्रता का युद्ध कह करके, प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कह करके पुकारा, आइए उसके ऊपर जरा जनरल आज एक आंख नजर डालते हैं। कितनी कीमत चुकाई है हमारे उन क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने, और हमें बताया गया कि गांधी नेहरू और आजादी ने लिख नेहरू और गांधी ने लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है। असंख्य असंख्य अज्ञात जिनको इतिहास में कहीं दर्शाया नहीं गया। आइए 1857 की क्रांति का राष्ट्रव्यापी प्रभाव जानेंगे और आज एक नहीं अनेक नाम आएंगे जिनके साथ क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1857 में बैरकपुर और मेरठ से प्रज्वलित हुई सशस्त्र क्रांति की चिंगारी ने राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया था। रायपुर छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार, सोना खान के जमींदार नारायण सिंह ने अगस्त में अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाकर ब्रिटिश शासन को कंपा डाला था। उन्होंने छोटी सी सेना के बल पर ही कई जगह अंग्रेजों के सैनिकों से टक्कर लेकर उन्हें भागने को विवश कर दिया। किसी ने गद्दारी करके नारायण सिंह सोना खान को गिरफ्तार करवा दिया। 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने इस राष्ट्रभक्त जमींदार को रायपुर के चौराहे पर तोप के गोले से उड़ा दिया। राष्ट्रभक्त जमींदार नारायण सिंह छोटी सी सेना से बड़े बड़े मुकाबले करता हुआ, अंग्रेजों को धूल चटाता हुआ आगे बढ़ रहा था। आखिर एक गद्दार के कारण जो हुआ वो आपके सामने आ गया। चलते हैं, आगे चलते हैं। गंड मंडला मध्य प्रदेश के राज परिवार के शंकर शाह ने 1857 की क्रांति का शंखनाद होते ही क्षेत्र के किसानों को संगठित कर उन्हें इस क्रांति यज्ञ में आहुतियां देने की प्रेरणा दी। 14 सितंबर को लेफ्टिनेंट क्लार्क ने
शंकर शाह और उनके पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। शंकर शाह एक कवि भी थे, उनकी लिखी कविता सुन सुनकर ग्रामीण क्रांति से जुड़ते चले जा रहे थे, काफिला बढ़ता चला जा रहा था। 18 सितंबर को अंग्रेजों ने शंकर शाह तथा उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप से उड़वा दिया। और हमें बताया जाता है कि गांधी और नेहरू ने आजादी लेके दी और कांग्रेस ने लेके दी। क्रांति की इस चिंगारी से महाराष्ट्र भी अछूता नहीं रहा। नारगुंड के राजा भास्कर राव ने अंग्रेजों को चुनौती दी। अंग्रेजों ने कर्नल मानसन के नेतृत्व में नारगुंड को घेरने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी। 29 मई को भास्कर राव के सैनिकों ने मानसन पर हमला कर उसे मार गिराया। अंग्रेज सैनिकों ने भागकर जान बचाई, लेकिन क्रुद्ध अंग्रेज ने 1 जून को विशाल सेना भेजकर नारगुंड का घेरा डलवा दिया, घेर लिया नारगुंड को। भीषण युद्ध हुआ। रानी और राजमाता ने अंग्रेजों के हाथों में पड़ने से बचने के लिए नदी में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर दिया। कुछ समय के बाद भास्कर राव को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून को भास्कर राव को फांसी पर लटका दिया गया। और हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। एक गोली नहीं खाई, एक लाठी नहीं खाई। और जेलें भी VIPs थी। क्या कर रहे थे जेलों में, ये चिट्ठा मैं कई बार खोल चुका हूँ। बाकी क्रांतिकारियों के साथ और इन दोनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, इसी से पता चल जाएगा कौन स्पॉन्सर्ड था और कौन देशभक्त था। अंग्रेजों ने मेरठ पर पुनः कब्जा करने में सफल होने के बाद 10 मई की क्रांति के नायकों और उनके समर्थकों पर अत्याचार करने, उन्हें फांसी पर लटकाने, गांव के गांव को पूरी तरह से घेर लेने की योजना बनाई। मेरठ के ग्रामीण अंचल में उन्होंने जो कहर बरपाया उसे सुनकर हृदय भी कांप उठता है। सबसे पहले मेरठ के राष्ट्रभक्त कोतवाल धन सिंह गुर्जर तथा उनके साथियों से प्रतिरोध लिया गया। इतिहास के बहुत बड़े जानकार कुंवर पाल सिंह पंवार ने दस्तावेजों के अध्ययन के बाद एक शोध लेखन में इसका वर्णन इस प्रकार से किया है, क्या क्या कर रहे थे वो और क्या किया उन्होंने। क्या लिखते हैं, खाकी रिसाले ने, उनकी यूनिफॉर्म जो थी खाकी रिसाले ने, जिसमें 160 राइफलमैन और 2 तोपे थी, विलियम के नेतृत्व में 4 जुलाई की प्रातः घाट पांचली गांव को घेर लिया। इसी गांव में नंबरदार मोहर सिंह के पुत्र के रूप में धन सिंह का जन्म हुआ था। गोलाबारी के बीच 46 ग्रामीणों को पकड़कर साथ ले जाया गया। गांव को खाली कराकर आग के हवाले कर दिया गया और इन 46 में से 40 गुजरों को मेरठ नगर और कैंट के अलग अलग स्थानों पर चौराहों पर फांसी पर लटका दिया गया। और हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। दुल्ला की मुखबरी पर, दुल्ला एक गद्दार, देखिए क्या कर रहा है, उसकी मुखबरी पर खाकी रिसाला ने, अंग्रेजों ने 17 जुलाई को दलबल के साथ बाघू निरोजपुर में, वो आधमका जाधमका खाकी रिसाला,
दादा अचल सिंह गुजर को बेटों और पोतर समेत दबोच लिया गया और उन्हें तोप से बांधकर गोला दाग कर मार डाला गया। 21 गुर्जरों के सिर काट कर प्रदर्शन करते हुए मेरठ ले जाया गया। 21 गुर्जरों को सिर काट कर डेमो प्रदर्शन करते हुए लोगों को आतंक और भय बताना था, सबकी ये हालत करेंगे, उनको मेरठ ले जाया गया। दादा अचल सिंह की 1800 बीघा जमीन उस दुष्ट गद्दार दुल्ला उर्फ दल सिंह को दे दी गई। देखिए गद्दार भी कौन था, अपने ही तो थे। अब आगे क्या होता है, शाहमल जाट की बारी थी। लोनी के नायब तहसीलदार करमली एक और दुष्ट, एक और गद्दार। लोनी के नायब तहसीलदार करम अली ने मुखबरी की। 18 जुलाई को उसको साथ लेकर रिसाला ने, खाकी रिसाला ने, सुराना निकट बटोट के पास एक गांव है बैट नाम का, वहां जंगल में बाबा शाहमल को जा घेरा। करम अली इस दुष्ट गद्दार ने शाहमल का सिर काटकर भाले पर टांग कर लाया, जिसको चारों ओर घुमाया गया। करमली को पुरस्कार स्वरूप, इस दुष्ट को पुरस्कार तो अंग्रेजों ने देना ही था ना, बागपत की नवाबी प्रदान की गई। अब आपको समझ आ गया ये नवाब पटौदी, नवाब हैदराबाद वगैरह वगैरह, इनको नवाब की पदवी किसने दी थी और क्यों दी थी। ऐसे ही मुसलमानों के मुगलों के टाइम की पीर, जिनकी पागल हमारे लोग जा करके शुक्रवार को पहुंच जाते हैं, वो पीर की पदवी किसको मिली हुई थी, सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर हिंदू कब जागेगा, कब जागेगा, कब जागेगा। धन सिंह कोतवाल भूमिगत हो गए थे, वो धन सिंह जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, मोहर सिंह के पुत्र धन सिंह कोतवाल भूमिगत हो गए थे। राजा राव कदम सिंह शापामार आक्रमण करके निरंतर अंग्रेजों की सेना और अंग्रेजों के भक्त लोगों को हानि पहुंचा रहे थे। राव कदम सिंह अंग्रेजों के प्रयास निष्फल होते जा रहे थे, ये कहीं पकड़ में नहीं आ रहे थे। 28 अक्टूबर को बुलंदशहर में गोरखा बटालियन और राष्ट्रभक्त ग्रामीण क्रांतिकारियों के मध्य होने वाले युद्ध में भाग लेते समय गंगा के खादर में अंग्रेजी सेना ने घेराबंदी कर राजा राव कदम सिंह को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अब छुपे रुस्तम धन सिंह कोतवाल को, धन सिंह कोतवाल को धरती के नीचे और अंबर से ऊपर खोज निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए। असंख्य असंख्य मुखबिरों के जमावड़े के चलते अधिक दिनों तक भूमिगत रहना संभव नहीं था। मैं भी इमरजेंसी में 19 महीने भूमिगत रहा हूँ, मुझे ये समस्या नहीं थी, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक कभी ऐसे गद्दारी करते नहीं, मैं संघ का प्रचारक था, उनके घरों में रहता था। लेकिन भूमिगत रहना क्या होता है मैं समझ सकता हूँ, और उसमें फिर किसी गद्दार के कारण वो पकड़ा जाए जिसको पुलिस ढूंढ रही हो, क्या क्या होता है वो मुझे पता है। असंख्य मुखबिरों का आगे पीछे प्राइज पदवियां, इस सब के कारण अधिक दिनों तक भूमिगत रहना संभव नहीं था। एक दिन धन सिंह भी शत्रुओं के जाल में फंस गया, इन्हें भी जेल में ठूंस दिया गया। अब दो महायोद्धा राव कदम सिंह और धन सिंह कोतवाल, ये दोनों का तो वो पीछा कर रहे थे,
इन दोनों ने अपने शौर्य और वीरता के झंडे गाड़े हुए थे, रिकॉर्ड कायम किए हुए थे, उदाहरण प्रस्तुत किए हुए थे। दिल्ली पर अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य हो जाने पर दोनों क्रांति जयी, दोनों महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त योद्धाओं को मेरठ की नई जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपने देख लिया 1857 की क्रांति का, मैंने अभी 5-10% एक अंश रखा है। आज मैं एक किसी क्रांतिकारी का जीवन चरित्र आपके सामने नहीं रख रहा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में केवल महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलन की चर्चा की गई है, उन असंख्य क्रांतिकारियों की सर्वथा उपेक्षा की गई जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके प्राणोत्सर्ग करके राष्ट्र की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया था। हमारी युवा पीढ़ी को असली इतिहास का पता नहीं है। कहते हैं कि जो जाति इतिहास को भूल जाती है, अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को, क्रांतिवीरों को, बहादुरों को, नीम के पत्थरों को, प्रेरणा स्रोतों को भूल जाती है, वे जाति मृत प्राय हो जाती है। हमारी जाति भी कुछ उस ओर बढ़ रही है। इसी भावना से प्रेरित होकर मेरे मन में आया कि मैं इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा प्रयास करूं जिसमें जाने अनजाने क्रांतिकारियों के सर्वस्व समर्पण का संक्षिप्त वर्णन हो। ये एक प्रयास है नई पीढ़ी के हृदय में राष्ट्रभक्ति के बीज अंकुरित करने का। शायद इस देश की उस भूमि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा रूपी खाद से बंजर हो चुकी है, अब भी किसी देशभक्त को जन्म देने में सक्षम हो सके, मुझे पूरा विश्वास है। भारत माँ ने देशभक्त पैदा करने बंद नहीं किए। एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता है, वो देश में खड़ा हो रहा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, समाज को अपने पांव पर खड़े होकर के, जागरूक होकर के, सारे देश के अंदर, सारे विश्व को एक नए नारे से, नई शक्ति का परिचय देकर के गुंजाना होगा। ये बात जिस दिन हम समझ जाएंगे, मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास जो इस चैनल के माध्यम से उन क्रांतिवीरों को स्मरण करने का, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार।